स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में बिछड़े भाई 75 साल बाद मिले, फर्स्ट टाइम इंडिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे प्रिय होती है मातृभूमि, लेकिन मातृभूमि से भी ज़्यादा अगर वो प्यार करता है तो अपनी जन्मभूमि से, जहाँ उसने जन्म लिया हो। और वो जन्मभूमि तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जय अकाल, मैं हूँ मनु मेहता और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग मिठरा भिरा। किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे प्रिय होती है मातृभूमि, लेकिन मातृभूमि से भी ज़्यादा अगर वो प्यार करता है तो अपनी जन्मभूमि से, जहाँ उसने जन्म लिया हो। और वो जन्मभूमि तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वो सरहदों के पार हो। कुछ ऐसा ही हुआ सन 1947 में, जब लाखों परिवारों को वो दुख सहना पड़ा कि आज वो अपनी जन्मभूमि के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स दिल्ली में रहने वाले मिस्टर डी एन चावला साहब दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं और वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दर्द था कि पार्टीशन के टाइम पे उनका आधा परिवार, यानी कि उनके एक चाचा, दिल्ली ना आकर बल्कि पाकिस्तान में रह गए थे, वो भी डीजी खान जिले में, और उनका गांव था नुतकानी। लगभग 75 साल इस पार्टीशन को हो चुके हैं। डी एन चावला साहब लगातार प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से अपने परिवार से वो मिल सकें, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपने परिवार से संपर्क कर सकें। लेकिन चावला साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार प्रयासरत रहे कि किसी भी तरीके से अपने परिवार को वो ढूंढ कर मानेंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिया और जो उस गांव में जहां ये पैदा हुए थे, लगभग 10 साल की, 8 से 10 साल उस समय इनकी उम्र थी जब ये वहां से चले थे, तो इन्हें ये याद था कि नुतकानी गांव है, तहसील तौसा है, ज़िला डीजी खान है और कंट्री पाकिस्तान है। तो इन्होंने दो चिट्ठियां एक वहां के पोस्टमास्टर के नाम और एक वहां के स्कूल हेड टीचर के नाम से भेज दी कि ये 1947 में यहाँ आ गए थे, लेकिन इनके परिवार के कुछ सदस्य नुतकानी गांव में रह गए थे, इनके चाचा रह गए थे, क्या उनकी कोई खोज खबर है, अगर है तो इन्हें सूचना दी जाए। किस्मत का खेल देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इनके पास एक चिट्ठी आती है कि हाँ, आपके परिवार के एक चाचा यहाँ रह गए थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, और उनके परिवार के अब शेख सैफुल्ला, यानी कि इनके कज़न, अब भी परिवार सहित इस गांव में रह रहे हैं। बस ये सुनना था और दयानंद चावला जी के मन में मानो ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बार फिर से 75 सालों के बाद जाकर अपने कज़न, यानी कि अपने भाई से मिला जाए। लेकिन उसके लिए भी इनको ये नहीं पता था कि जाने के किस तरह से रास्ता है, कैसे संपर्क किया जाए, और इन्होंने तमाम कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान एम्बेसी में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान एम्बेसी में जाने के बाद सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि उन्होंने इन बुज़ुर्ग की, इनके भाई की बात सुनी और इनके लिए एग्री हो गए कि 75 साल के बाद ये अपने भाई से जाके मिल सकते हैं। उन्होंने ना केवल इसके लिए वीज़ा दिया बल्कि इन्हें ये भी बताया कि किस तरह से जाना है। लेकिन चूंकि ये दोनों बुज़ुर्ग थे, इसलिए हमने भी इनिशिएट लिया कि क्यों ना इन बुज़ुर्गों के साथ मैं भी इनके गांव चलूं और उन सब मंजर को कैद करूं कि किस तरह से जब ये भाई मिलेंगे, किस तरह से बिछड़ा हुआ परिवार मिलेगा, तो क्या एक क्षण होगा, किस तरह से पाकिस्तान में इनकी आवभगत होगी, वो सब कवर करने के लिए मैं भी इनके साथ पाकिस्तान पहुंच गया। और वहां जाकर देखा कि बिल्कुल, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से इन भाइयों का मिलाप हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन भाइयों से मिलने के लिए बाकायदा वो जब पूरा गांव इकट्ठा होकर आया, और यही नहीं, हम थैंक्सफुल हैं उस पुलिस की जो बाकायदा इन्हें अपनी प्रोटेक्शन में उस गांव तक लेकर गई। आगे आपको वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जब ये अपने गांव में पहुंचे और क्या कुछ हुआ, वो सब आपको इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते हैं। ये देखिए, आफ्टर 75 ईयर्स मिस्टर डी एन चावला का वेलकम मोड़ पर करते हुए यहाँ के लोग, ये देखिए, आय हाय,
ये वो क्षण देखिए, अब वो रो पड़े हैं, इनकी आंखों के आंसू देखिए, दो भाइयों का मिलन, ये देखिए, ये देखिए, ये मोहब्बत है, ये देखिए, ये मोहब्बत देखिए, ये मोहब्बत, ये यहाँ के लोग देखिए, कितने 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 मोहब्बत से सब लेने के लिए आए हैं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, देखिए, ये आफ्टर 75 ईयर्स, ये देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों का वेलकम, ये देखिए, आय हाय, नोट मारते हुए, शानदार, शानदार, ये एक इनका वेलकम का अपना ही तरीका है, ये यहाँ से वेलकम करते हुए, ये अभी गांव में नहीं पहुँचे हैं, गांव से पहले मोड़ पर है, ये गांव से पहले मोड़ पर ही स्वागत कर लिया गया, गांव पर नहीं, नुतकानी शहर, स्टार्टिंग सबसे पहले छोटी सी मस्जिद से, और ये नुतकानी शहर की गलियां, जहां पर आज मिस्टर डीएन चावला अपने घर के लिए आए हुए हैं, ये देखिए कि कितना खूबसूरत, वही पुराने घरों की पुरानी उसकी याद दिलाता हुआ, लेकिन इन लोगों के साथ एक बड़ी ट्रेजडी जो हाल ही में सामने हुई है कि इनके बेचारों के मकान हाल में आई सैलाब का सैलाब की भेंट चढ़ गए हैं, और यही वजह है कि इनके लिए ज़िंदगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करनी पड़ रही है, ये यहाँ के लोगों के लिए एक बैड इनके लिए कहा जा सकता है कि सब पीछे इनका जो था वो एक इनके लिए बुरा एक वक्त था, जब यहाँ के लोगों की सैलाब में दुकानें और मकान सब ढह गए थे, अब ये यही वजह है कि रोड्स पर अब फिर से एक बार काम शुरू होंगे, अभी ये लोग यहाँ से उभर ही रहे हैं, यही वजह है कि रोड्स भी अभी तक फिर से वो पूरी तरह से सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, और मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक बार फिर से कच्चे पक्के मकान फिर से शुरू हो रहे हैं, बनने शुरू हो रहे हैं, ये नुतकानी शहर, नुतकानी विलेज के इधर स्कूल के वेलकम टू GET स्कूल, यानी कि ये रोड के लिए सिंबल्स लगे हुए हैं, GET स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल भी यहाँ पर है, और ये बच्चे को स्कूल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने काम की तरफ जाते हुए, एक छोटी सी प्यारी सी खाने की होटल भी है जहाँ लोग आकर आराम से बैठ के, ये कल्चर बड़ा अच्छा लगता है मुझे पाकिस्तान का, कि यहाँ पर ये जो कल्चर है कि यहाँ पर जो चारपाइयाँ लगी हुई हैं और उन पर जो पिल्लो रखे होते हैं, यानी कि रिलैक्स होकर आप आइए, खाना खाइए और बैठिए, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, ये कल्चर यहाँ का पाकिस्तान का बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कल्चर है। खुशी के आंसू देखिए, आंखें नम होती हुई चूमने के बाद, ये अपने घर को पहचानते हुए, ये घर है क्योंकि ये मस्जिद है, इन्हें याद था, ये बताते हुए खुद अपने, ये देखो 1898 की ईट है, इन्हें याद है आज भी, इनके दादाजी ने मकान बनवाया था, वो सब जानकारियां देते हुए, ये यहाँ के सब लोग विद पुलिस प्रोटेक्शन, देखिए इन सबको लेकर आते हुए अपनी गलियों में, ये गली है सर, ये सामने वाला घर है अपना यूसुफ साहब, अच्छा माशाल्लाह, जी जी अंकल जी, ये घर है आपका, हाँ ये घर ये घर, पुराना घर, वही वही देखिए चौखट, देखिए वही चौखट, उस दौर के दरवाजे, उस दौर के दरवाजे और चौखट, अच्छा यही दरवाजा है रखा हुआ इनके शौक के लिए रखा, अच्छा यही दरवाजा इनके लिए रखा हुआ आपने, ये स्पेशली ये था कि ये लोग आ रहे हैं, और ये देखिए वेलकम करने के लिए फैमिली मेंबर्स और यहाँ के ये सब आ चुके हैं, ये और सबसे बड़ी चीज सैफुल्ला साहब जो उनके कजन, ये आए हैं,
ये कजन आए हैं दोनों, ये हैं आज भाई, कितने अरसे के बाद मिलते हुए ये। ये देखिए ये वो, कितने अरसे बाद मिल रहे हैं आप, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। अच्छा ये देखिए सही, ये देखिए ये देखिए ये दोनों कजन आज इतने वर्षों के बाद एक बार फिर से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए एक बार घर से मत अपने घर में एंटर होते हुए ये खुशी देखिए इनके चेहरे पे, ये देखिए इनके चेहरे पे खुशी आफ्टर 75 ईयर्स फिर से एक बार अपने घर पर आते हुए। और सर ये पुराना है उस दौर का है या ये भी? अच्छा यहाँ के SHO यूसुफ साहब हैं, सबसे पहले थैंक्स कि इन्होंने हमें इतनी प्रोटेक्शन के साथ इस लोकेशन पर पहुँचाया और बुजुर्गवार को आफ्टर 75 ईयर्स उस स्थान पर पहुँचाया जहाँ के लिए वो पिछले काफ़ी समय से बेताब थे और ये चाहते थे कि उनकी लास्ट विश थी कि ऊपर जाने से पहले या लास्ट डेस्टिनेशन से पहले वो एक बार फिर से अपनी जमीन पर आ सके। सर आज जो यहाँ पर आपने माहौल देखा है कैसा लगा आपको? मनु साहब ये जो आपकी फीलिंग्स थी उनको देख के, आप अपने आबाई इलाके में आए हैं जहाँ आपके बुजुर्गों की पैदाइश है, तो आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए हैं कि इतनी मोहब्बत आपको अपनी होमलैंड से। आप एक लकीर के पार हैं लेकिन आप हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे के इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के भाई भाई हैं, हमें मतलब जितनी मोहब्बत आपको अपनी ज़मीन से है उतनी ही मोहब्बत हमारे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया गए हैं उतनी ही मोहब्बत उनको अपनी ज़मीन से है। तो हम, हमारी ज़मीन भी एक है, हम एक हैं, हम आपस में भाई हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट। और बाउंड्रीज कोई मैटर नहीं करती हैं मोहब्बतों के आगे, ये आज आप सब देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत देते हुए, खुद यहाँ के इलाके की जब पुलिस फोर्स और इनके अफसरान को पता लगा तो उन्होंने भी बिना कोई देरी के, यहाँ तक कि जब आप सब समझते हैं कि कितना इनके पास टाइम की वैल्यू होती है, मसले होते हैं, लेकिन इन्होंने भी बिना किसी झिझक के ये सारा सपोर्ट किया है, साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पब्लिक, क्योंकि लोग मिलने वाले भी काफ़ी आए हैं, उन सबको भी टैकल कर रहे हैं। खैर मैं मिस्टर DN चावला के उन थोड़ा सा विजिट भी करा दूँ आप लोगों को। ये जो मकान, ये जो हैं सारे रूम्स, ये रूम्स अब बने हैं लेकिन कभी किसी पुराने समय में ये उनको याद है, ईंटें जरूर उन्होंने पहचानी है। ये लास्ट वाला रूम है, इस रूम में खुद वो पैदा हुए थे, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे भी सही। लास्ट में उस टाइम पे कच्चा मकान या जो भी एक पक्का मकान था उनका उस समय पर भी, बट ये अब कुछ समय से गिर गए बाद दोबारा बनाया गया है। तो यहाँ पर मिस्टर दयानंद चावला, उनका बर्थ इस रूम में हुआ था, यहीं पे पैदा हुए थे वो? अच्छा अच्छा, आपके कौन लगते हैं? चाचा। चाचा हैं आपके? खुशी होती है आपको आपके चाचा आपके पास आते हैं? बिल्कुल खुशी हुई है। अच्छा, चाचा तो रो रहे थे आपके? खुशी से। खुशी से। ये ईंटें जो हैं ये उस टाइम की दर, उस टाइम की है सारी? ये नहीं है, वो है, वो नीचे जो लगी हुई है, वो जो दीवार पे नीचे लगी हुई है ना सर, ये बिल्कुल पुराने जमाने की ईंटें लगी हुई हैं जो चावला साहब के आबा अजदाद ग्रैंडफादर वगैरह ने बनाया हुआ था सर। ये अभी कोई बारिशों की वजह से इसको जो है जी जी पीछे यहाँ पे काफी दिक्कत है जी जी जी। ये जो पुरानी ईंटें है ना सर, ये जी ये बिल्कुल उनकी अपने हैंडमेड बनी हुई है, उन्होंने बनवाई है सर, ये खुद लगाया इधर, इनका जो है ना पूरा जो है माड़ी और बंगला था। अच्छा, यहाँ पर इनका, इनका अपने जो है इनके ग्रैंडफादर थे ना उन्होंने बनाया था यहाँ के, ये जो सैफुल्ला खान है ये नंबरदार भी है। अच्छा, यहाँ के नंबरदार हैं इसका नाम है नुतकानी सर। नुतकानी जी 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 जी, बहुत ही खूबसूरत आपका गांव, खास कर ये देखिए आपके घरों में खूबसूरत ये सब बहुत अच्छा है सर। नहीं सर बैकवर्ड नहीं है, बहुत ही बाकी जो है ना ये इन्होंने मिसमार किए हुए थे, ये पुरानी जो ईंटें लगी हुई है वो उनके अपने अबाव अजदाद के टाइम की पड़ी है।
अच्छा आज सारा परिवार पिछले काफी समय बाद एक बार बैठे हुए इकट्ठे, इधर से इंडिया से आए हुए दोनों भाई और इधर से पाकिस्तान से बैठे हुए ये कजन, आज सारा परिवार देखिए 75 सालों के बाद फिर से एक बार एक होता हुआ, और क्या खुशी, क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी, इंतहा खुशी है। अच्छा इसका कोई मुकाबला नहीं। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आए थे उस समय? खुशी की जमीन को देख के आंसू आए। हाय ये सही, ये जी इनका भांजा है सज्जाद कासिम। सज्जाद कासिम काफी मुद्दत के बाद मिलना। अच्छा ये मायने रखता आखिरी। अच्छा यहाँ पैदा हुए थे? हाँ। कौन से रूम में मैं बताता। अच्छा अच्छा आपका घर पक्का था उस समय? है? पक्का था आपका मकान उस समय? तो 1898 में बना हुआ पक्का मकान था। अच्छा छोटे छोटे ईंटों वाला। छोटे छोटे ईंटों वाला है। ऐसे ही दो कमरे थे यहीं पे। अच्छा पक्के ये कमरा है? पक्के। अच्छा ये कमरा है, लीजिए अपने बर्थ के उस रूम में घुसते हुए इस कमरे में पैदा हुआ। अच्छा इस कमरे में पैदा हुए थे? इस कमरे में पैदा हुआ था। अच्छा और ये देखिए ये जो शतीर है आज भी वही की वही लगी हुई है। 180 years before 1898 के। ये 1898 का ये वो दरवाजा जो आज भी उस दौर की याद दिलाता है, उन बुजुर्गों की याद दिलाता है। इसको स्पेशली परिवार ने आज तक नहीं छेड़ा है क्योंकि बुजुर्गों को उम्मीद थी कि एक दिन एक परिवार फिर से वापस इस घर में आएगा, इस दरवाजे से अपने घर में एंटर होगा। उसी टाइम का है। अच्छा हमारे बाप दादा का, इनके फादर्स और इनके फोर फादर्स के द्वारा उस समय ये दरवाजा लगाया गया था जो आज भी उसी दौर की याद दिला रहा है। सारा गांव एक बार फिर से, सारा परिवार एक बार फिर से उनको अलविदा कहने आते हुए ये देखिए कितने खूबसूरत क्षण, वो खुशी, वो अब ये इनका विदाई का क्षण आ चुका है। जी मोहब्बत के बारे में बात करते हुए पता लगे कि मैं सही आऊं ने ये देख ना लोग सब इतना खड़े थे मेरे वास्ते जरा जो सब जी अपनी पूरी टीम के नाल सारी हिफाजत वास्ते कलोके लगे होते यह मोहब्बत थोड़ी यह तहजीब थोड़ी यह हॉस्पिटैलिटी जी मेहमान नवाजी थोड़ी उनके मैं कायल हाँ और हमेशा मैं एहसानमंद सबका थैंक्स करते हुए कि जो हॉस्पिटैलिटी और जो मेहमान नवाजी इन सब लोगों ने दिखाई है, खासकर उन पुलिस ऑफिशियल्स का भी सबका थैंक्स करते हुए। सारे लोग मोहब्बत देख के मेरे को बड़ी खुशी थी। ये मैंने अपनी जिंदगी आखिरी टाइम आ गए, लास्ट टाइम आ गया, दिल चाहिए कि मैं जरूर बढ़ने नुस्खाने अपने जात है इनके कहने का मकसद यही है कि लास्ट समय आ चुका है, शायद कुछ ही समय इनकी ज़िंदगी के बाकी है, लेकिन आज इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने यहाँ पर आने का, तो ये फिर से ये यहाँ के पाकिस्तानी हिंदू परिवार जो उस समय से यहाँ पर है, नाम है इनका अमर लाल, वोहवा से स्पेशल मिलने आए हुए हैं अपनी हिंदू फैमिली से, अपने भाइयों से, अपने अंकल को, अपने दादाओं परदादाओं को मिलने के लिए। ये आज भी उस दौर से यहीं रह रहे हैं और इनकी बाकी फैमिली इंडिया में भी है, लेकिन इन्हें जब पता चला है तो ये भी अपने आप को नहीं रोक पाए और स्पेशली यहाँ पर आए हैं।
हमारी ये यात्रा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो रही है कि हमने दो परिवारों को मिलन कराया है, उनको मिलाया है, बल्कि हमारा ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे पहुंचते हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, क्या उनका फूड का सिस्टम है, किस तरह से वो मोहब्बत देते हैं, वो सब आने वाले दिनों में आपको हम दिखाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन दो परिवारों के मिलन की वीडियो तो सभी देख ही सकें, बल्कि आने वाली वो सभी वीडियो जो अभी तक एक पाकिस्तान सबकी नज़रों से अलग था, वो कैसा है, क्या कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड टूर तो किए हैं लेकिन पाकिस्तान वो नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन हम पाकिस्तान पहुँचे हैं और वहाँ की हर सभी यादें आपके सामने वो लेकर आएंगे। इसलिए आज भी जुड़े रहिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आने वाले समय में हम आपको पाकिस्तान की सारी यादें लगातार दिखा सकें। अल्टरनेट डेज पर हम आपके इस तरह की वीडियो पाकिस्तान की लाते रहेंगे। नमस्कार, थैंक दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई वीडियो में बीच में तो कुछ नहीं, भाई हम बोले, रीजन यही था भाई, वीडियो मजे है यार, मतलब अद्भुत था, अद्भुत मतलब ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को बयां नहीं कर सकते भाई। मतलब वहाँ वो पैदा हुए थे पार्टीशन के बाद, मतलब वो एग्जैक्टली पैदा पाकिस्तान में ही हुए थे, तब पार्टीशन नहीं था, मतलब उसी जगह पे जहाँ पे वो पैदा हुए थे, लेकिन जब पार्टीशन हुए तो आधा फैमिली भारत में रह गया और चला आया, और जो जिसको पाकिस्तान में रहना था वो पाकिस्तान में रहे, लेकिन उसके जो भाई थे वो मुस्लिम बन गए, मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, और ये तो हिंदू थे, कोई नहीं, बट भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, यही अच्छी बात है। और ये अंकल की मतलब ये जो दिल्ली के रोते थे तुम, हाँ, और उनकी लास्ट विश भी थी कि मुझे मेरी जन्मभूमि भाई से मिलना है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।